एकता कपूर और कंगना रनौत एक शो लेकर आ रही हैं जिसका नाम है लॉकअप, जिसे बताया जा रहा है कि ये काफी कंट्रोवर्सियल होगा और एक अपने आप में अलग तरह का शो है। ऐसा शो जिसे पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं है। प्रीमियर के दौरान पत्रकार ने, जब एक मीडिया वाले ने दीपिका पादुकोण को लेकर कंगना रनौत से सवाल पूछा कि उनकी फिल्म गहराइयों को लेकर आपकी क्या राय है, अब सोचिए कि प्रमोशन किसका चल रहा है और हमारे देश की मीडिया वाले इतने मूर्ख हैं, ये कुछ भी खबरें पूछते हैं, इनके पास मतलब किसने इन्हें मीडिया में भाई भेज दिया समझ में नहीं आता है। बात चल रही है बर्थडे की और ये मरने की बातें कर रहे हैं। तो कंगना रनौत भड़क गई और भड़कते हुए क्या कहा कंगना रनौत ने, ये देखो। देखो मैं यहां उन्हें डिफेंड करने के लिए हूं जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। दीपिका पादुकोण खुद को डिफेंड कर सकती है, उनके पास प्रिविलेज है, प्लेटफॉर्म है और मैं उनकी फिल्म इधर प्रमोट नहीं कर सकती हूं। सीधे सीधे तौर पर एक तरह से दीपिका पादुकोण की धज्जियां भी उड़ा दी और उस मीडिया वाले को उसकी औकात भी बता दी। ठीक इसी तरह सलमान खान को लेकर भी जब सवाल किया गया तो सलमान खान को लेकर कंगना ने कहा, ये कोई आपके बड़े भाई का घर नहीं है, ये मेरा जेल है, मेरे पास हर कॉन्टेस्टेंट और उसके सच्चाई की फाइल रहेगी। कंगना ने लिखा, लॉकअप में 16 कॉन्टेस्टेंट नजर आएंगे, कॉन्टेस्टेंट 72 दिनों तक शो के जेल में बंद रहेंगे। वहीं होश के लॉ शो में एक सेलिब्रिटी जेलर भी कोई नजर आने वाला है। देखिए वैसे एकता कपूर को भले ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ट्रोल किया जाता रहा हो, जो भी एकता कपूर की बर्बादियों की कहानी आती है उसे लेकर लोग खुशियां भी मनाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर कंगना रनौत के साथ वो शो करते हुए नजर आ रही है क्योंकि कंगना रनौत और एकता कपूर की अच्छी बॉन्डिंग है। तो देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को हमेशा अलग रखना चाहिए। जैसे अर्नब के रिपब्लिक भारत पर भले ही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो भी समर्थन दिया गया हो, लेकिन अर्नब के उसी वेबसाइट के ऊपर बॉलीवुड की भी खबरें दिखाई जाती है, लेकिन डंके की चोट पर बात करते थे। हालांकि अब तो अर्नब गोस्वामी सुशांत वाले केस में नहीं बोलते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सुशांत के समर्थन में बातें किया करते थे, अब कोई भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है। ये मामला कब उठेगा कोई नहीं कह सकता है, सीबीआई सो चुकी है, सरकारें सो चुकी है और मीडिया चैनल भी सो चुके हैं, अब कोई सुशांत के बारे में बात नहीं कर रहा है।